मैं हूं अल्ताफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सिरोन तहसील के ग्राम बगरोदा से लेकर चाटोली तक सड़क न बनने की वजह से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। इसी को लेकर आज तहसील में एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम दिया। ज्ञापन देने आए उप सरपंच प्रमोद रघुवंशी ने बताया, सभी संबंधित विभाग बगरोदा पंचायत की सड़क से पल्ला झाड़ रहा है। हम जिस विभाग के पास जाते हैं वे अन्य विभाग के पास भेज देता है। आखिरकार ये सड़क कौन सा विभाग बनाएगा, ये साफ नहीं हो पा रहा। वहीं सिरोंज एडीएम द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लगभग 30 साल पहले कभी सड़क का निर्माण हुआ था, वे अब जार जार हो गई, जिससे गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इसके संबंध में कार्रवाई बाबत यह है कि ग्राम बगरोदा से ग्राम चाटोली तक आने जाने में काफी पुराना कच्चा रास्ता है, जिस पर से बारिश में एवं मामूली से पानी में मुक्त रास्ते पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। यह कि रास्ते से संपूर्ण ग्रामवासी मुख्य सड़क के लिए आते जाते हैं और यदि उक्त रास्ता बंद हो जाता है तो ग्राम महिरामपुरा तथा अन्य ग्राम के लोगों को मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कि उक्त ग्राम बगरोदा महिरामपुर के अलावा अन्य ग्रामों के बच्चों को भी स्कूल आने जाने के लिए इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर प्रतिदिन निकलना पड़ रहा, जिससे कई बार दुर्घटना भी देखने को मिली है। एक ही उक्त सड़क निर्माण के लिए कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका, किंतु इसके बाद भी अभी तक सड़क निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त संपूर्ण रास्ते पर सड़क निर्माण कराने की तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा मजबूरी वह संपूर्ण ग्रामवासियों को धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, भूख हड़ताल जैसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। समस्त प्रकार के चुनावों का भी बहिष्कार ग्राम के वासी करेंगे। न्यूज़ इंडिया फोर चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।